एनआईए करेगी कर्नाटक बीजेपी नेता की हत्या की जांच, बड़ी खबर इस वक्त की। दक्षिण भारत में फैले आतंकी नेटवर्क भी खंगालेगी, पीएफआई समेत आईएस अलकायदा कनेक्शन की जांच होगी। बीजेपी नेता की हत्या का शक पीएफआई के टेरर मॉड्यूल पर, बहुत बड़ी खबर। पीएफआई का भी यहां पर कनेक्शन जुड़ता हुआ है, पीएफआई आईएस अलकायदा कनेक्शन की जांच भी हो रही है। राकेश त्रिपाठी, सीधा सवाल आपके ऊपर, आप लोग जब भी ये होता है, आपके नेता कई बार कहते हैं कि पीएफआई का इसमें हाथ हो सकता है, आपकी सरकार है केंद्र में, आप लोग पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते, आप लोग उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? आप विश्वास मानिए गौरव जी, बहुत जल्दी पीएफआई पर बैन भी होगा, और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी पर भी अगर कोई बिना तैयारी के हम कोई कार्रवाई कर देंगे तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिल जाता है, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ। नहीं तो यही तो आरोप योगी मॉडल लगता है कि योगी मॉडल बिना कोर्ट से कुछ लाए, बिना तैयारी के लोगों के घर देती है। मैं देखिए योगी बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी नाइन पर, अभी डाउनलोड करें। देखिए योगी मॉडल को लेकर के कुछ बातें गौरव जी अभी उठाई गई कि योगी मॉडल क्या है। देश में अकेला राज्य है जहां पर गले में तख्तियां डाल करके अपराधियों ने सरेंडर किया है, किसी दूसरे राज्य में किया हो तो बताइए, इसलिए योगी आदित्यनाथ का मॉडल जाना जाता है। देश का पहला राज्य है जहां सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पहुंचाए जाने पर उसकी संपत्ति को बेच करके कुर्की करा करके उसकी वसूली करने का कानून हमने बनाने का काम किया है, यह पहला मॉडल है, इसलिए उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ मॉडल जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जहां सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश की नियति बन गए थे, हर जिले में कर्फ्यू लगता था, हमने सरकार में आने के बाद सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम किया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। हम लाउडस्पीकर से जब मंदिर और मस्जिदों से हटाने की बात करते हैं तो बिना किसी चूक के आपकी बात काम हो जाता है। मैं आपकी बात मानता हूं आपने बहुत काम किया, लेकिन फिर भी एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि अभी भी जो आंकड़े हैं ताजा, उसके मुताबिक एनसीआर टॉप पर है। अगर हम पिछली 4-5 साल सपा सरकार को देखें, पिछले जो रही है 2017 से पहले और उसके बाद हम पिछले 5 साल बीएसपी के भी देखें, तो उसमें भी योगी सरकार में जो हमारे पास एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं राकेश भाई कि अपराध के मामले बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं देखिए, अगर उसको अनुपातिक देखेंगे जनसंख्या के अनुपात में कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है और अपराध में कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको ये आंकड़े कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरा, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज एफआईआर 100% दर्ज की जा रही है, वरना याद करिए मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के शासनकाल में कि कैसे गायत्री प्रजापति जो इनकी सरकार में मंत्री होते हैं और एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, यानी सत्ता का खुला संरक्षण, सत्ता में बैठे हुए लोग आकंठ अपराध और भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, इनके मंत्रियों के द्वारा आपराधिक किए जा रहे थे और इसी वजह से इनके कई मंत्री जेल की सलाखों के पीछे। जवाब दीजिए राजकुमार भाटी, जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी जवाब ले लेते हैं, राजकुमार भाटी जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी को 8 साल पुराने गायत्री प्रजापति तो याद रहते हैं, लेकिन अभी 4-5 साल पुराने कुलदीप सेंगर को भूल जाते हैं, बल्कि 3 साल ही हुए हैं। कुलदीप सेंगर के खिलाफ वो लड़की 9 महीने तक घूमती रही, कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुई थाने में, और उसे धमकी दी गई कि अगर तुम एफआईआर करोगी तो तुम्हारे पिता की हत्या कर दी जाएगी, और उसके पिता को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया और जेल में पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और जब हाई कोर्ट ने ये कहा उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता से, सरकारी वकील से, कि हम सीबीआई से इसकी जांच कराएं, क्या आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं कोर्ट में कि हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा उनके खिलाफ। तो कोर्ट ने ये तक कड़वी टिप्पणी की कि अगर इस तरह का चलन रहेगा तो कोई अपराधी गिरफ्तार ही नहीं होगा। और जब सीबीआई को जाँच चलेगी, अगले ही दिन सीबीआई ने 24 घंटे के अंदर उन्हें अरेस्ट कर लिया, जिस पुलिस को वो मिल नहीं पा रहे थे, जिसके लिए डीजीपी माननीय शब्द प्रयोग कर रहे थे। तो राकेश त्रिपाठी जी एक तरफा ना देखें, एक आंख बंद ना रखें, दोनों आंख खुली रखें। ये उत्तर प्रदेश में आज देखिए, अखिलेश जी की सरकार में एक कांड हुआ था जो जिसमें दो लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी बदायूं में, उसको इतना दिखाया, बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था। आज हर जिले में मैं दावा करता हूँ कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ 2, 4, 6, 10 लड़कियों ने आत्महत्या इस बात को से नाराज होकर न की हो कि पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही अपराधियों को। हर जिले से खबरें आती हैं, आप अखबार उठा के देखिए, हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में खबर छपी मिलेगी लड़के के साथ छेड़छाड़। उसके बाद मैं आता हूं, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उसने आत्महत्या करा हूं। राकेश जी जल्दी से जवाब। नहीं, ये पूरी तरह से इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, ये पूरी तरह से बेसलेस बातें कर रहे हैं कि जिलों में आत्महत्याएं। मैं तो आप चुनौती देकर के कहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बात सच कह रहे हैं तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सूची जारी करें,
ये जारी करें, प्रचलित जारी करें मीडिया के अभी करा देंगे, किस जिले में करा देंगे, एक घंटे में अभी ट्वीट करा देंगे, आकर के टीवी डिबेट में कहना जो मन में आएगा वो आकर के बातें, कोई जवाबदेही के बिना पार्टी आते कह रहे हैं कि एक घंटे में अभी समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ये सूची जारी होगी, एक घंटे में अभी आंकड़े के साथ करा देंगे कि योगी के शासन में कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की है, पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर निराश हो गए, मुख्यमंत्री आवास में लड़की ने आग लगा ली अपने ऊपर तेल डाल के, मुख्यमंत्री आवास में आत्महत्या के प्रयास हुए चार या पांच पिछले पांच साल में, जो कुलदीप सेंगर का नाम जप रहे ना, ये कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी से विधायक थे और आपकी सत्ता रहते हुए कभी जो किसी को समाजवादी पार्टी के होते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हैं, ये कुलदीप सेंगर भेजने का काम किया। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर, हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर अभी डाउनलोड करें।